एवरीवन, तो आपकी बहन सोकर उठ गई है और धूप जो है वो ज़बरदस्त किस्म की आई हुई है। इसके अलावा अभी मैं जा रही हूँ जी नाश्ता बनाने। मुंह वगैरह मैंने धो लिया है और आजकल जो है ना वो एक क्रीम में लेकर आई हूँ, उसे यूज़ कर रही हूँ। तो आप देखिए फेस में आपको विजिबल जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा एक जो है मम्मा ने DIY बना कर दिया है, उसे भी मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रही थी, बट मैंने सोचा था कि पहले मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बस थोड़ा सा आपका इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप लोगों भी डार्क स्पॉट्स वगैरह और मेरे जैसे निशान है, बट मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अब हल्के हो गए हैं और फेस आप देखिए ग्लोइंग कर रहा है, लिप्स भी देखिए कितने पिंकिश है। तो बस ये दो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके जी, तो अब बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में आज बनेंगे जी पराठे और चाय वाय, तो बनाते हैं नाश्ता। तो ये देखें जी ये क्या सीन हुआ है, चाय निकालने वाला डोंगा हो गया है हमारा यहाँ पर शहीद। सो टेंशन की कोई बात नहीं, अम्मा ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं एक्स्ट्रा, तो अभी देखती हूँ नया निकालती हूँ और इसे कर देते हैं जी डिस्कार्ड। A few moments later. नाश्ता यहाँ पर हमारा रेडी हो गया था और नाश्ते में चाय पराठा और सालन था। फिर जी यहाँ पर मैं हादी को करवा रही थी ट्यूशन का काम और साथ ही मैंने हादी को नहला कर दिया था तैयार, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो जाता है, नाश्ता वाश्ता करते हैं इतनी देर हो जाती है कि टाइम का पता नहीं चलता। फिर हादी को ट्यूशन भेज के मैंने अपने भी कपड़े वगैरह निकाले, इन्हें प्रेस वगैरह किया और फिर मैं भी फ्रेश होकर जो है वो कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए। और यह है कि बंदा जब सुबह उठ के नहा धो के कपड़े शपड़े जब चेंज कर लेता है तो मूड और हर चीज़ जो है एकदम फ्रेश हो जाती है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह पहले अपने सारे काम निपटा लूँ। पर मैं लेकर आई हूँ जी गुलाब जामुन, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे हैं। तो बहुत सारे गुलाब जामुन थे और ना जिनमें से हादी के बाबा ने खा लिए, हादी ने खा लिए और दो दिन मैंने खा लिए। अब ये तीन गुलाब जामुन बचे और आप सोचेंगे कि गुलाब जामुन किस खुशी में आए, कोई गुड न्यूज़ है या कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी, कोई गुड न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा ना बहुत एक्चुअली दो दिन से गुलाब जामुन खाने का बड़ा दिल चाहता, तो मैंने हाथी के बाबा को कहा कि मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आएँ और वो मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आएँ। खैर अब गुलाब जामुन जो है वो आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक और खुशी में भी आप खा सकते हैं। वो खुशी ये है कि यार जो है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से 1000+ जो है वो सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब यार कुछ मिले ना मिले ये भी अचीवमेंट होती है कि आपने अपने ही बल के ऊपर जो है माशाल्लाह से इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स जो है वो गेन करना शुरू कर दिए। सो बस इसी जो है इसी खुशी में, इसी सब चीज़ों की खुशी में आप लोग भी जी करिए मुँह मीठा ये लीजिए भाई, मज़ा आया। अभी ये गुलाब जामुन पे फिर से हमला हो गया है। सो बस अब यहाँ पर एक हाथी खाएगा एक मैं खाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को मैं ऑलरेडी खिला चुकी हूँ, बस खाते हैं जी गुलाब जामुन। साथ ही यहाँ पर जो मैंने बना लिए थे बच्चों के लिए नलकी पापड़ और बच्चे जो है बहुत ही शौक से खाते हैं, हुरप भी बहुत शौक से खाती है और हाथी भी बहुत शौक से खाता है और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे बच्चों की सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती हैं। सो बस यहाँ पर अभी हम खा रहे थे जी नलकी पापड़। अब बारी आ जाती है मेरे बर्थडे गिफ्ट की कि मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट मिला है। तो जी मुझे मामा ने जो है वो गिफ्ट दिया है, ये एक ड्रेस है जो कि मैंने अपनी पसंद से लिया था। तो ये 2-पीस ड्रेस है, आजकल आपको पता है इस तरह के प्रिंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन हैं। सो ये मैं टेलर को दे दी स्टिच करवाने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी जो है वो दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ये शलवार है और इस तरह से इसकी जो है प्रिंटेड शर्ट है। इसके अलावा जो है मामा ने मुझे एक ये डेकोरेशन पीस जो है वो गिफ्ट किया है जो कि मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ और ये बहुत ही जो है वो मुझे क्यूट एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लाइक जैसे ही मम्मा ने मुझे ये दिया था एंड मैंने इसे देखा तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मुझे ना इस तरह का स्टफ़, इस तरह की चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा हसीन प्यारी खूबसूरत और बहुत ज़्यादा जो है मुझे अट्रैक्ट करती हैं। सो ये कुछ इस तरह से जो है वो एक सेट है, लाइक इसमें एक डॉगी है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसे देखते मैंने मम्मा को कहा था ये मैं हूँ और ये दो मेरे जो है हुरप एंड हादी है, मजाक कर रही हूँ। खैर ये ना मुझे बहुत ही यार प्यारा लगा था, तो ये भी एक मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया है और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। सो कुछ इस तरह से दिखता है और जब मैं इसे जो है कहीं पे भी रखूँगी और इसे डेकोरेट करूँगी तो डेफ़िनेटली आप लोगों को दिखाऊँगी, लेकिन जो है बहुत ही क्यूट लग रहा है यार बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जी मम्मा ने मुझे ये कुछ जो है
इस तरह से पाउडर्स वगैरह दिए थे जिसमें एक बीटरूट पाउडर है, सैंडलवुड है और दूसरा जो है वो रोज़ फ्लावर है, जो कि मैं DIY में यूज़ करती रहती हूँ और काफ़ी टाइम से मैं DIY वगैरह मैंने आपको बताया यूज़ कर रही हूँ। सो आज मैंने वीडियो बनाई है, थोड़ी लेट बनाई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि इन गिफ्ट्स वगैरह के बारे में भी काफ़ी क्यूरी होती है कि भाई क्या गिफ्ट मिला। उसके अलावा मम्मा ने मुझे ये इस तरह से एक जो है वो कड़ा दिया है, जो कि अगेन बहुत ही प्यारा है और हाथ में पहना हुआ तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो कुछ इस तरह से दिखता है। उसके अलावा जी ये मुझे कुछ कैश मिला है, जो कि कुछ ये हैं और कुछ जो है वो मैं खर्च कर चुकी हूँ। पैसा ही पैसा हो गया। These are my birthday gifts and बहुत सारे लोगों को ये भी क्यूरी होगी कि आपके हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट दिया है। सो जी हस्बैंड जो है वो हमेशा से कैश दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी पसंद थोड़ी सी जो है वो डिफ़िकल्ट है। सो इसलिए जो है वो कुछ भी नहीं लेकर आते, और उन्हें खुद भी जो है कुछ इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, कि लेडीज़ वगैरह के लिए क्या लेना था। सो वो हमेशा से मुझे कैश दे देते हैं, सो उन्होंने इस बार भी मुझे कैश दे दिया है। एंड यस मेरी जो है वो मतलब सास ने भी मुझे कैश दे दिया था। सो बस जो मुझे लेना होगा मैं ले लूँगी। सास ने और हस्बैंड ने जो कैश दे दिया था, और मम्मा वालों की तरफ से ये कुछ गिफ्ट्स थे जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और ये फिर देखिए अगेन कितना क्यूट लग रहा है, ये तो मुझे बहुत ही जब मम्मा ने दिया था ना मुझे देखते ही बहुत क्यूट लगा था, और डेफिनेटली इसको मैं कहीं पर रखूँगी एक प्रॉपर जगह पर सेट करके, क्योंकि ना बहुत ही प्यारे लगते हैं यार, मतलब डेकोरेशन की पीसेस जो है ना वो घर में एक अलग ही लुक दे देते हैं। सो बस यही सब कुछ गिफ्ट्स है, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और मुझे तो बहुत अच्छे लगे। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।